हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरनेट से पैसा कैसे कमाया जाता है। दोस्तों ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये मानना है दोस्तों कि इंटरनेट से पैसा कैसे कमाया जाता है, जो कि काफी सरल होता है। तो मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से खंडन करने वाला हूँ कि इंटरनेट से रियल में जो कि 100% जेन्युइन तरीका से पैसे को कैसे अर्न कर सकते हैं और अपना एक करियर को बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों ठीक है, अभी का जो सिचुएशन चल रहा है वो COVID-19 की सिचुएशन है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, बहुत सारे ऐसे इंप्लॉयज है जिनको कंपनी ने निकाल दिया गया है। दोस्तों ठीक है, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो जॉब की तलाश में, बट उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। बीए, एमबीए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो करके उनके पास डिग्री तो है बट उनके पास जॉब नहीं है। ये इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की सच्चाई है दोस्तों ठीक है। और खासकर इंडिया में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का केस है दोस्तों। जैसा कि हम लोग रिसर्च करते हैं या फिर हमारे पास ऐसे ऐसे कैंडिडेट आते हैं जिनके पास जॉबलेस का प्रॉब्लम होता है दोस्तों ठीक है। तो आज ऐसी स्थिति में दोस्तों मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आप इंटरनेट से पैसे को अर्न कर सकते हैं, मतलब पैसे को कैसे अर्न किया जा सकता है दोस्तों ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक मैं लेना चाहूंगा दोस्तों वो होता है आपका YouTube। YouTube के थ्रू आप पैसे को अर्न कर सकते हैं। YouTube में वीडियो बनाना या फिर कैरियर को बिल्ड करना एक बहुत बड़ा काम है दोस्तों ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि YouTube से बहुत आसानी से अर्निंग किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि YouTube से पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं दोस्तों ठीक है। सबसे पहला चीज है दोस्तों कि आपको किसी फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब किसी भी पार्टिकुलर फील्ड की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हो सकता है आपका गेमिंग का नॉलेज हो सकता है आपके पास कुकिंग का नॉलेज हो सकता है आपके पास जॉब का नॉलेज हो सकता है आपके पास बाइक राइडर का नॉलेज हो, मतलब केस कोई भी ऐसा नॉलेज जो आप शेयर कर सकते हैं पब्लिक के साथ, ऑडियंस के साथ, जिससे ऑडियंस को प्रॉफिट होना चाहिए, फायदा होना चाहिए दोस्तों, तब जाके आपका यूट्यूब चैनल चलेगा। आप यूट्यूब चैनल पे आते हो, वीडियो बनाते हो, वीडियो अगर वायरल नहीं होता तो आपको एक समय ऐसा लगता है कि मैं यूट्यूब को छोड़ दूं दोस्तों, बट आपको ऐसा नहीं करना है। यूट्यूब पे वीडियो कॉन्टेंट प्रोवाइड करना। अगर आप 50 वीडियो अपलोड करते हो वीडियो यूट्यूब पे, तो उसमें से एक या दो वीडियो अगर आपका रैंक कर जाता है तो वो आपका मोनेटाइजेशन तक ले जाएगा दोस्तों। ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि एक बार YouTube पे अगर आपका मोनेटाइजेशन हो जाता है तो आपको YouTube जो है मुद्रीकरण कर देता है, मतलब आपको पैसा पे करता है। वो हो सकता है कि आपको हाफ डॉलर पे करे या $1 पे करे या $2 पे करे, ये डिपेंड करता है कि आपके ओवर टाइम व्यू कितने आते हैं दोस्तों ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। नंबर टू की अगर बात करें दोस्तों वो होता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग से लोग पैसे को अर्न करते हैं। ब्लॉगिंग से कैसे पैसे अर्न किया जाता है, ब्लॉगिंग भी एक तरह का नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज है, वो हो सकता है गेमिंग का हो या फिर किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए कि जॉब के बारे में, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब या किसी भी तरह का, तो वो वहां से आप किसी फील्ड से, मतलब वहां पे लिख के ये कर सकते हैं, वहां पे मतलब ब्लॉगिंग करके पैसे को अर्न कर सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, आर्टिकल से पर, बस ये आपका मोनेटाइजेशन हो जाना चाहिए ब्लॉगिंग पे दोस्तों ठीक है। नंबर थ्री होता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग में क्या अंतर होता है, ब्लॉगिंग उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए कि मैं धनबाद सिटी में रहता हूं, मैंने एक धनबाद का एक फेमस वीडियो बनाया, अपलोड किया दोस्तों ठीक है। तो वहां पे जो भी फेमस है, अगर मैं रांची गया तो रांची की क्या फेमस है उस जगह को मैंने दिखाया, ऑडियंस के साथ शेयर किया, ऑडियंस जो है मेरे वीडियो को पसंद किए कि नहीं ये झरना काफी अच्छा था, ये स्मारक बहुत अच्छा था, ये पार्क काफी अच्छा था, लोग अच्छे थे, वहां के लोगों से बातचीत करना, वहां के कल्चर को समझना, मतलब सिंपल सा रूल है दोस्तों कि अलग अलग जगह जाके अलग अलग लोगों से मीट करना, वीडियो बनाना, वहां के कल्चर को समझना और कल्चर को समझाना कि यहाँ की कल्चर ऐसा है, वहां का कल्चर वैसा है, इसको ब्लॉगिंग कहते हैं दोस्तों ठीक है। तो इस तरह करके भी आप मोनेटाइजेशन करके यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों ठीक है। नंबर जो फोर है वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का मतलब होता है दोस्तों, इंस्टाग्राम पे आपको फॉलोवर बढ़ाने होते हैं। अगर आपका फॉलोवर बढ़ता है, बढ़ेगा तभी बढ़ेगा जब आप कुछ नॉलेज आपके पास होना चाहिए, मतलब आप कुछ नॉलेज शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे। मान लीजिए कि मुझे जॉब के बारे में नॉलेज है, तो मैं जॉब के बारे में बताया कि इस कंपनी की हायरिंग चल रही है, इंस्टाग्राम पे मैंने शेयर किया, तो इंस्टाग्राम पे लोग मुझे देखेंगे तो ऑटोमेटिक ही मुझे फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं जॉब प्रोवाइड करता हूं तो नॉर्मल सा चीज है कि लोग मुझे फॉलो करेंगे, इससे मेरा फॉलोवर बढ़ेगा। अगर फॉलोवर मेरा बढ़ता है, मतलब 10,000, 20,000 या उससे ज्यादा जाता है, मैं यहाँ स्क्रीन पे देख ले रहा हूँ, देख लीजिए ये कंपनी का मतलब ये कहता है कि इतना पैसे आप अर्न कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी वहां पे आपको प्रोडक्ट से या फिर कंपनी से स्पॉन्सरशिप का चांस मिलता है, ब्रांड प्रमोशन का चांस मिलता है। तो इस तरह आपको एक अच्छा पैसा इंस्टाग्राम से भी आपका अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अगल बगल में मेरे रहते हैं जो इंस्टाग्राम से अर्न कर रहे हैं, तो ये चीज आपको माइंड में रखना है, मेहनत लगातार करना, आपको एक टारगेट
टारगेट लेके चलना होगा कि एक जो शॉर्ट वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करूं ताकि लोगों की हेल्प हो सके दोस्तों। जिस तरह यूट्यूब पे अपलोड करते हैं आप, उसी तरह इंस्टाग्राम पे भी आपको अपलोड करना होगा दोस्तों, ठीक है। नंबर 5 की बात करते हैं, वो आता है फेसबुक दोस्तों। फेसबुक वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया के रूप में, फेसबुक से भी आप अर्न कर सकते हैं। वहां से आपको पेज क्रिएट करना होगा, वीडियो को अपलोड करना होगा, वहां के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो आपको फॉलो करना होगा, जो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और फेसबुक से भी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं इस वीडियो में टोटल 5 मैंने आपको बताया, जो कि काफी और अलग अलग तरीके हैं, जैसे फ्रीलांसर होता है और भी बहुत सारा तरीका अलग अलग होता है जिससे आप इंटरनेट से जेन्युइन तरीके से पैसे को अर्न कर सकते हैं। इस वीडियो मैंने सिर्फ 5 आपको बताया जो कि काफी आपको हेल्पफुल है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है कि सर मुझे एक यूट्यूबर बनना है तो मैं क्या करूं, तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको 100% सपोर्ट करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? वीडियो थोड़ा सा अलग था दोस्तों, क्योंकि अभी का जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो को बनाया, क्योंकि 7 से 8 कंपनी की जो हायरिंग है वो अभी क्लोज हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मैंने बताया कि इंटरनेट से पैसा कैसे कमाया जाता है लॉकडाउन पीरियड में दोस्तों, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।